सियासत क्या ना करवाए, भरी धूप में सड़कों पर प्रदर्शन हो या फिर सदन में बिना बात हंगामा, सब सियासत ही करवाती है। इसी सियासत के मुद्दे पर समय को देखकर तय किए जाते हैं एजेंडा। अब यही सियासत कांग्रेस से भी कुछ ऐसा ही करवा रही है, जिससे ये सवाल उठने लग गया है कि क्या कांग्रेस ने अपनी धारा, अपनी सोच बदल ली है। कांग्रेस प्रवक्ता और सीनियर एडवोकेट मनीष तिवारी ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर तीखा हमला बोला है। तीन बार तलाक के मुद्दे पर बोर्ड के रवैये को लेकर उन्होंने सवाल किया है कि क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ संविधान से भी ऊपर है। हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अक्सर विवाद होते रहे हैं, चाहे इसके पक्ष में या फिर विपक्ष में। बयान वीरों की कोई कमी नहीं रही। अब इस बार सीधे नहीं बल्कि परोक्ष रूप से यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत कांग्रेस भी कर रही है। जी हां, सही सुना आपने, वही कांग्रेस जिसने शाहबानो केस में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का पक्ष लेने के लिए संविधान तक बदल दिया था और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी पलट दिया था। अब उसी कांग्रेस की तरफ से तीन तलाक पर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर लिखा कि क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड संविधान से भी ऊपर है, क्या मुस्लिम महिलाओं की एक तरफा तलाक में सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जानी चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में अहम जगह रखने वालों को तो कम से कम कांग्रेस की तरफ से ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने एक सुर में कांग्रेस की नीयत पर ही सवाल उठा दिए। कांग्रेस लीडर ने जो बयान दिया है, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं, हम मजम्मत करते हैं। कांग्रेस लीडर हो या कोई भी लीडर हो, उसको ये समझना चाहिए कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में हर पर्सनल लॉ को पूरी आज़ादी है, हर कम्युनिटी को आज़ादी है कि वह अपने धर्म पर चले और अपने धर्म को माने, पर्सनल लॉ को माने। लिहाजा जो कांग्रेस लीडर ने जो बयान दिया है वो उनके जहनी दिवालियापन की दलील है और हम यही मानते हैं कि जहाँ पर भी मिसबिहेव हो रहा है, किसी के साथ भी मिसबिहेव हो, चाहे वो लेडीज़ के साथ हो, चाहे वो बेकसूर लोगों के साथ हो, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। मुस्लिम पर्सनल लॉ के बारे में, निकाह का मामला है, तलाक का है और भरण पोषण का है, या जो है वक्फ वगैरह को लेकर है, या जो है लेपालक वगैरह को लेकर है, ये जितनी चीज़ें जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत आती है, उनके मामले में देश की जो है वो अदलिया जो है और न्यायालय जो है उसी के अनुसार निर्णय देने के पाबंद है। ये जो है उस कानून में लिखा हुआ है, तो आप उसको कानून से बाहर कैसे कर रहे हैं? वो जो कानून बना हुआ है उसके मुताबिक, उसके अनुसार जो है वो फैसला देना है जज को। जज जो है उसको कानून नहीं बना सकता है, कानून बनाने का काम जो है पार्लियामेंट का है। असल में ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के औचित्य पर ही सवाल उठा दिए। कहा गया मुस्लिम पर्सनल लॉ कुरान के आधार पर है और वो सुप्रीम कोर्ट के दायरे में नहीं आते। मुस्लिम लॉ संसद से पास कानून नहीं है और सुप्रीम कोर्ट इसकी समीक्षा नहीं कर सकता। मामला सिर्फ इतना भर ही नहीं है, विवाद इसलिए ज्यादा है क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर इस बार कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कांग्रेस अक्सर खामोश ही रही है, जबकि बीजेपी के लिए ये बड़ा मुद्दा रहा है। अब ऐसे में सवाल ये कि कांग्रेस आखिर अपने स्टैंड से दूर क्यों हो रही है? क्या कांग्रेस अब सॉफ्ट हिंदुज्म की ओर झुकना चाह रही है या कांग्रेस अपने ऊपर से प्रो मुस्लिम का तमगा हटाना चाह रही है? इसकी एक झलक तब भी दिख जाती है जब सालों से होली से दूर रहने वाले गांधी नेहरू परिवार ने इस बार होली भी जमकर मनाई। लोकसभा चुनाव हो या फिर हाल के विधानसभा चुनाव, वहाँ भी कांग्रेस की स्थिति खराब ही रही है। ऐसे में इस मुद्दे का सहारा लेकर कांग्रेस अपनी धारा बदलने की कोशिश तो नहीं कर रही। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कि क्या कांग्रेस बदल रही है, मेरे साथ मेहमानों का पैनल है, उनका परिचय आप तक पहुंचा देते हैं। सबसे पहले बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय हमारे साथ दिल्ली से जुड़े, पूर्व केंद्रीय मंत्री आरिफ मोहम्मद खान साहब से बात करेंगे और सोशल एक्टिविस्ट नाइश हसन हमारे साथ हैं। इसके अलावा शिया धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास,
ये हम चारों मेहमान हैं उनके पास जाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आरिफ साहब के पास जाएं। उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें शाहबानो केस दरअसल क्या था। शाहबानो केस को समझने की कोशिश करते हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं, फिर हम समझेंगे कि कांग्रेस उस समय क्या थी और अब समय बदलाव की ओर क्यों है। शाहबानो केस एक 62 साल की मुस्लिम महिला से जुड़ा था, 5 बच्चों की माँ थी शाहबानो। 1978 में उसके पति ने उसे तलाक दिया। शाहबानो की मर्जी के खिलाफ 3 तलाक दिया गया। मुस्लिम कानून के मुताबिक पति ऐसे कर सकते हैं। पति से गुजारा भत्ता लेने के लिए शाहबानो कोर्ट पहुंची। 7 साल बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के पक्ष में फैसला सुना दिया। शाहबानो के पति को गुजारा भत्ता देने को कहा गया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया। 1986 में तत्कालीन कांग्रेस गवर्नमेंट ने कानून पास किया जिसके जरिए शाहबानो केस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया गया। बहुमत की सरकार में आसानी से तलाक अधिकार संरक्षण कानून 1986 आसानी से पास हो गया। सुप्रीम कोर्ट से केस जीतने के बाद भी शाहबानो को गुजारा भत्ता नहीं मिला है। इस पर चर्चा करने के लिए सबसे पहले आरिफ खान साहब हमारा रुक हम आपका रुक करते हैं, लेकिन उससे पहले मनीष तिवारी का बयान बता देते हैं जो उन्होंने बोला, और इस पर 24 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है। कांग्रेस ने इस बयान को डिसोन नहीं किया है। शुड द फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस गारंटेड बाय आर्टिकल 25 and 26 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिकम द फिग लीफ टू जस्टिफाई रेट्रोग्रेड प्रैक्टिसेस? कैन मोहम्मदन लॉ दैट अलाउज ट्रिपल तलाक बी अबव कॉन्स्टिट्यूशन? आर मुस्लिम वुमेन नॉट एंटाइटल्ड टू प्रोटेक्शन फ्रॉम आर्बिट्री डिवोर्सेस? आरिफ साहब, जो कांग्रेस ने उस समय कानून को कानून नया बना दिया था, संशोधन कर दिया था, आज वो कांग्रेस ये बात कह रही है। स्वागत करना चाहिए इस बात का। आप इसका स्वागत करते हैं? मैं तो स्वागत करता हूं इसलिए कि हम डेमोक्रेसी में हैं। वैसे भी इंसान अपनी जिंदगी में अपने पुराने तजर्बों के आधार पर सीखता है, और अगर उन्होंने ये बात कही है, और इससे पहले मैं आपको याद दिलाऊंगा कि श्री दिग्विजय सिंह जी अपने एक बयान में कह चुके हैं कि राजीव जी को खुद ये एहसास था कि जो कुछ तब हुआ वो शायद सही नहीं था। और मुझसे अगर आप पूछिए तो मैं अपने निजी भावनाओं के आधार पर कह सकता हूं, चूंकि मैं उस वक्त मंत्रिमंडल का सदस्य था, कि राजीव जी का दिल उस विधेयक में नहीं था। राजीव जी मॉडर्न आदमी थे और बहुत उनका प्रगतिशील दृष्टिकोण था, लेकिन बहुत ज्यादा दबाव के कारण जो कुछ हुआ वो हुआ, और वो बहुत 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 अनफॉर्चुनेट था जो हुआ। लेकिन अगर आज पार्टी ये महसूस करती है कि मुस्लिम महिलाएं, एक तो जनरली महिला भेदभाव का शिकार होती है, और मुस्लिम महिला दुगने भेदभाव का शिकार है, अगर उसको उस दुगने भेदभाव से आजादी दिला दी जाए तो ये नैतिक तौर पे भी बहुत अच्छा होगा। संविधान की भाषा और संविधान की आत्मा के अनुरूप होगा। और चूंकि मुस्लिम महिलाओं की मैं बात कह रहा हूं, कुरान की तालीमात के और कुरान की जो शिक्षा है उसके अनुसार होगा। यानी आपका ये मानना है कि बदलाव इसलिए हुआ है क्योंकि रियलाइजेशन हो गया है? उस समय आप कह रहे थे राजीव गांधी थोड़ा नाखुश थे, उनकी सहमति से नहीं होता, पॉलिटिकल मजबूरी थी। ठीक है, इस पर देखिए मैंने ये नहीं कहा, मैंने जो कहा वो ये कहा कि दिग्विजय सिंह जी ने ऐसा कहा है, और मैं तो केवल जो मेरी उस वक्त की भावना है, जो राजीव जी ने मुझे खत लिखा था, उसके आधार पर कह सकता हूं कि राजीव जी जैसे व्यक्ति से ये काम हो ही नहीं सकता था जब तक कि उन पे
असाधारण दबाव न बनाया गया हो। ठीक, अश्विनी उपाध्याय साहब से बात कर लेते हैं। अश्विनी उपाध्याय साहब, आपको क्या लग रहा है कि सीधे तौर पर नहीं बल्कि परोक्ष रूप से कांग्रेस आज के समय, इस समय यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत कर रही है? देखिए, मनीष तिवारी जी पार्टी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, लेकिन जो उन्होंने ट्वीट किया है वो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन की हैसियत से किया है या पार्टी की तरफ से किया है, ये अभी क्लियरिटी आई नहीं है। 24 घंटे हो गए, अब हम ये कह सकते हैं कि चूंकि ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है तो कांग्रेस की राय है। कांग्रेस ने अभी तक खंडन भी नहीं किया है। अगर कांग्रेस ने वास्तव में इसका अभी तक खंडन नहीं किया और मनीष तिवारी जी की राय से वो बाकायदा सहमत भी है, तो निश्चित रूप से मैं इसका स्वागत करता हूं, भारतीय जनता पार्टी इसका स्वागत करती है। मैं इसमें दो तीन बातें आपको और बता दूं, शायद आपके माध्यम से जनता को भी पहुंच जाएगा और आरिफ साहब को तो सब पता है। गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड 65 से लागू है, 50 साल हो गए गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड चलते हुए और बाकायदा सब लोग अच्छी तरीके से रह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। वहां पे गोवा सिविल कोड है जो कानून सबके ऊपर लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता हूं और मैं एक वकील के नाते आपको ये बताता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने एक नहीं साहबानों केस के बाद से लगातार कई बार जजमेंट दिए और उसमें कहा कि जो शादी विवाह का मामला है, जो गुजारा भत्ता का मामला है, ये पर्सनल लॉ में नहीं आता, ये सेकुलर मैटर है। ठीक है भाई, अगर हम एक तरफ कहते हैं भारत सेकुलर है, अगर सेकुलर है तो शादी विवाह, गुजारा भत्ता, तलाक, ये सेक्युलर मैटर है, ये पर्सनल मैटर नहीं है। मुझे लगता है जो लोग आज इसका विरोध करते हैं, जो भी विरोध करते हैं, उनको कम से कम अब महिलाओं को देखना चाहिए, महिलाओं की समस्याओं को देखना चाहिए। ठीक है, निश्चित रूप से उनकी मानसिकता महिला विरोधी है जिससे वो अभी तक उभर नहीं पाए। ठीक है, इस पर आरिफ साहब के पास इम्पोर्टेंट लॉजिक है, पॉलीगैमी को लेकर या फिर तलाक को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या कहता है, भारतीय संविधान क्या कहता है, कुरान क्या कहते हैं, इस पर जानकारी लेंगे। लेकिन अभी मैं रुक करती हूँ शिया धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास का। सैफ अब्बास साहब, आपने बीजेपी की तरफ का जो बयान था वो सुना, आपने मनीष तिवारी का बयान सुना, आरिफ साहब को आप सुन ही रहे, मैं आपसे जानना चाहूंगी अगर भारत का संविधान सबसे ऊपर है और किसी पॉलिटिकल पार्टी को या रियलाइज हो रहा है इलेक्शन के मोड में अगर वो बयान दे रही है, तो इसमें गलत क्या है? भारत का संविधान है सबसे ऊपर। तो भारत का जो संविधान है उसी ने तो ये भी इजाजत दी है कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसमें दखलंदाजी नहीं होगी, जो मजहब का जो अपना उसका कहना है उसमें है। अब इस तरीके से जो ये लोग गुफ्तगू कर रहे हैं कि उन्होंने गलत कहा, मैंने कहा तो जो संविधान ने इजाज़त दी है, ये मनीष तिवारी संविधान के ऊपर आके बात कर रहे हैं या और जो लोग बात कर रहे हैं? देखिए, साफ बात यह है कि जो इस्लाम धर्म है, इस्लाम में एक कानून खुद बना हुआ है इस्लाम को मानने वालों के लिए और बहुत परफेक्ट तरीके से उसमें चीज़ें हैं और उसमें बहुत परफेक्ट तरीके से सारी चीज़ें बताई गई हैं। अब मुसलमानों में चूंकि बहुत से फ़िरक़े हैं, अलग अलग नज़रियात हैं, इसलिए कुछ फ़िरक़े ऐसी गलत बातें कर देते हैं जिसकी वजह से टोटल कुरान के अपोजिट बात चली जाती है और लोग कहते हैं गलत इस्लाम में हो रहा है। इस्लाम, अगर कोई शख्स मुसलमान है और कुरान को मानता है तो उसके सामने कुरान जैसा एक ऐसा कानून है, किताब में मौजूद है, उसको परफेक्ट है। वो उसने दीन को भी बताया, दुनिया को भी बताया, मुल्क के लिए भी बताया, वतन के लिए भी बताया, पड़ोसियों के लिए भी बताया, दूसरे मजहब वालों के लिए भी रिश्ता कैसा होना चाहिए, सब कुछ बता रखा उसने। औरत के हक को भी बताया, मर्द के हक को भी बताया, पति के हक को भी बताया, पत्नी के हक को भी बताया, सब कुछ उसमें मौजूद है। अब उसमें जहां तक ये तलाक वगैरह की बात आती है, मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो हम देखिए शिया मसलक के हैं, हमारे के यहाँ तलाक का एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है। मैंने कहा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके फिरके में है दुबई से और अबू धाबी से और सऊदीया से कहीं से बैठ के फोन पर कर दिया और तलाक तलाक तलाक, ये हमारे के यहाँ बिल्कुल सिस्टम नहीं है। जिस फिरके को हम करते हैं, पैरवी करते हैं, जिसको मानते हैं, उसमें सिस्टम ये है कि पहले मौलाना के पास, धर्मगुरु के पास जाए लड़की या लड़का, अपनी बीवी की या अपनी पति या अपनी पत्नी की शिकायत करे। वो धर्मगुरु जिसकी शिकायत है
पति ने शिकायत की है तो पत्नी को इन्फॉर्म करेगा, पत्नी से कहेगा कि आपके पति ने ये चार्जेस आप पे लगाए हैं, आप क्या कहना चाह रही हैं। इसका एक प्रोसेस होता है, अगर उस प्रोसेस को फॉलो किया जाए तो कहीं पर अन्याय का तस्वीर ही नहीं है। ठीक है, अन्याय के इसी की बात से मैं नायश हसन के पास जाना की बात करती हूँ। नायश हसन जी, मौलाना सैफ अब्बास कह रहे हैं कि प्रोसेस पूरा है। एक सेकेंड, इस्लाम ने निकाह में दो गवाह नहीं रखे हैं, लेकिन तलाक में दो गवाह रखे इसीलिए हैं ताकि सही तरीके से काम को अंजाम दिया जा सके। ठीक है, ये ताकि और अगर इसलिए आ रहा है क्योंकि जो प्रोसेस है उसको शायद कोई नहीं मान रहा है। नायश हसन, ये तमाम जो बातें आपने सुनी उस पर आपका क्या है? एक मुस्लिम महिला क्या चाहती है? सियासत के तौर पर कानून का दुरुपयोग हो जाता है, चीजों का संशोधन हो जाता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी बयान दे देती है, कोई इसे रियलाइज करती है तो कोई इसे कंडेम करती है। इस्लाम और कुरान में अपने अलग अलग तर्क हैं। आपको लगता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वो ही चीजें फॉलो नहीं कर रहा? शायद यही कारण है कि अब कांग्रेस को धीरे धीरे रियलाइज हो रहा है। मनीष तिवारी ये बात कह रहे हैं कि भाई ये चीजें नहीं होनी चाहिए, संविधान से ऊपर कुछ नहीं। तमाम घटनाक्रम को लेकर आपकी सोच? देखिए, मैं एक बात आपको साफ तौर पे कहना चाहूंगी कि किसी ए और किसी बी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ते हुए नहीं, पर जो कुछ भी नाइंसाफी है वो औरत के साथ हो रही है, औरत उसका शिकार है, चाहे शाबानो हो, चाहे नजमा हो, चाहे आज तमाम औरतों के साथ हो रहा हो, तो उस पे इंसाफ की आवाज़ उठनी ही चाहिए। मैं आरिफ साहब की बहुत कदर करती हूँ, उनकी बात का समर्थन कर रही हूँ, मनीष की बात भी मुझे गलत नहीं लग रही है। अब जो हमारे सैफ अब्बास साहब कह रहे हैं कि सब कुछ है हमारे पास, हमें कुछ ज़रूरत नहीं है, लेकिन सैफ अब्बास साहब आप ये जानिए कि हमारे पास एक 1937 शरिया एप्लीकेशन एक्ट है जिसके तहत आप और हम दोनों आते हैं, और वो शरियत एप्लीकेशन एक्ट अल्लाह मियां ने नहीं बनाया है, वो शरियत एप्लीकेशन एक्ट जो बना है वो एक बहुत खराब एक्ट है। उस एक्ट को आप पढ़िए, और जब हम कानून में जाते हैं तो हमें उसी दरवाजे से अंदर जाना पड़ता है, और जब हम उस दरवाजे से जाते हैं तो औरत को इंसाफ नहीं मिलता है। ये बात आपको जानना और समझना बहुत जरूरी है। तो खाली ये कह देना कि कुरान में सब कुछ है, मैं भी मानती हूँ कुरान में बहुत कुछ है, औरत के लिए बराबरी है, औरत के लिए इंसाफ है, लेकिन हमारे कानून में नहीं है, ये बात अधूरी है, और मुझे लगता है बहुत कम समझ के साथ कही जाती है कि हमारे यहाँ ये है, आपके यहाँ ये है। जब आप कानून के दायरे में आते हैं तो उसमें सैफ साहब ये नहीं लिखा है कि आदमी तलाक 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 कह के चला जाए तो उसके ऊपर कोई सजा है, तो आप उसको उस दायरे में लाने की पैरवी करेंगे या नहीं करेंगे? मुझे लगता है एक समझदार इंसान होने के नाते आप करेंगे। तो ये सारा सवाल औरत के इंसाफ से जुड़ा सवाल है। मैं कहता हूं कि सियासत कम होनी चाहिए, इस पे इंसाफ की लड़ाई होनी चाहिए। सैफ अब्बास जी बोलिए, क्योंकि आज हर मुस्लिम महिला के यही प्रश्न होंगे आपसे। कुरान की पहली की वैल्यू जस्टिस है, जस्टिस की आप जो कुरान की पहली वैल्यू जस्टिस है, जस्टिस के बारे में आप देखिए, आए दिन तीन तलाक हो रहा है। हाईली क्वालिफाइड लड़की परसों मेरे पास आई थी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, उसका हस्बैंड मैंने तो तीन तलाक को खुद कंडम किया, तलाक तलाक कह के निकाल दिया बच्चों सहित, बोली आप क्या करेंगे आप, लेकिन उसका लेजिस्लेटिव बैकिंग क्या है? ठीक है, मैंने कहा ये तो गलत इस्तेमाल हो रहा है, लेजिस्लेटिव इसको रोकने के लिए क्या होगा? और कोई अच्छी बात, मैंने तो इसको खुद कंडम किया, अलग चीजें हैं ना। एक एक बात उसमें और मैं जोड़ दूं, जो संविधान बनाया था इसके लिए मैंने कहा संविधान बनाया था, मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, आप जरा इसको समझिए, संविधान सभा में इतिहास में कलाम साहब थे, आप उन गिदवई साहब थे, उसमें कई सारे मुस्लिम विद्वान थे संविधान सभा में, बहुत गलतियां की हैं। पर्सनल लॉ बोर्ड ने बहुत घृणित काम किया था शाबानों के केस में, तो जिसके गवाह हैं हमारे आरिफ साहब वहां बैठे हैं, बहुत गलती की थी इंसाफ के सवाल पे। इसलिए आपको सर ये सोचना पड़ेगा कि ये सवाल इंसाफ के लिए उठाए, किसी पॉलिटिकल पार्टी के गेन और लॉस से हमारा मतलब नहीं है। सर आप मान रहे हैं कि गलती हो रही है, उसका सही तरीके से अनुपालन नहीं किया जा रहा है, तो उम्मीद है आपसे कि आप इसको ठीक तरीके से इसका पालन करें ताकि कोई पॉलिटिकल पार्टी टाइमिंग्स का खेल समझकर इस तरीके से। मैं कह रहा हूं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है, सुनिए,
सुनिए तो, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिस तरीके से हिमायत कर रहा है ये सरही तौर पे गलत है। मैं कहने पहले कहा कि आरे साहब इस पर आप अपनी बात शुरू कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि औरत की एफआईआर दर्ज नहीं होती, ये औरत कहाँ जाएगी? मैं कहता हूँ औरत को इंसाफ नहीं मिलता, धक्के खाती है, उसके साथ कोर्ट वगैरह में ऐसे सवाल किए जाते हैं कि जो उसकी शर्म और हया को पानी पानी कर देते हैं। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जहाँ हर मौके के ऊपर क्लियर चीज नहीं की जाती है। मैं यही कह रहा हूँ कि जो सिस्टम है, प्लीज सैफ अब्बास साहब, अच्छी बात है कि आप रियलाइज करते हैं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी और बनती है। अच्छा, मैं कह दूं जरा नाइश को खामोश करें। बोलिए बोलिए आरिफ साहब, बोलिए। नहीं देखिए जी, मैं कहूंगा कि मैं एक मिनट अब्बास साहब, एक मिनट अब्बास साहब, एक मिनट अब्बास साहब, एक मिनट अब्बास साहब की बात को समझने की कोशिश कीजिए। मेरे ख्याल से उनकी बात में बड़ा आप उसे गौर से समझिए जो उन्होंने कहा है। उन्होंने खुद ये कहा है कि अलग अलग मसलक हैं और बहुत उन्होंने तीन तलाक की मुखालफत की है और पर्सनल लॉ बोर्ड उसकी हिमायत कर रहा है, उसको भी क्रिटिसाइज किया है। लिहाजा सिर्फ हम बहस करने के लिए बहस नहीं, जो बात वो सही कह रहे हैं उसको हमें कबूल करना चाहिए। अब मैं ये कहूंगा कि देखिए असल में सारी प्रॉब्लम ये है, बेशक हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन मजहब की आजादी देता है, लेकिन ये मजहब की आजादी के लिए स्टेट की ताकत का इस्तेमाल नहीं होता उसको इंपोज करने के लिए, उसको लागू करने के लिए। हम मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, क्या आप स्टेट से कानून बनवाएंगे कि वो कि हर मुसलमान के लिए लाजमी है कि वो पांच वक्त जाए? जिस तरह मानिए सऊदी अरब में ये नहीं हो सकता एक सेकुलर डेमोक्रेसी में। ठीक इसी तरह जो लोग मानते हैं, मैं तो ये कहता हूं जो लोग ये मानते हैं कि तीन तलाक सही है उन्हें मानने दीजिए, कानून को कम से कम उसको तस्लीम नहीं करना चाहिए। कानून का आज और फिर दूसरी बात एक और है, इस्लाम तो पूरी दुनिया के लिए है, यह कैसे मुमकिन है कि यह तीन तलाक और ये एक शौहर का यह हक कि वो चार शादियां कर ले, ये आज दुनिया में कहीं किसी मुस्लिम मुल्क में भी नहीं है, ये सिर्फ हिंदुस्तान में है और श्रीलंका में है। और अभी अभी अश्विनी जी कह रहे थे कि गोवा का कह रहे थे, गोवा में 65 से नहीं है कोर्ट, पुर्तगीज के जमाने से है। कश्मीर में रणबीर कोर्ट है, शरीयत एप्लीकेशन एक्ट नहीं है कश्मीर में। तो कश्मीर में जहां रणबीर कोड है, अगर शरीयत एप्लीकेशन एक्ट नहीं है तो कश्मीरी मुसलमान नहीं रहे। ये कैसी दलीलें हैं और कैसे आर्ग्यूमेंट हैं? अब बुनियादी बात यह है कि जिस तरह की तलाक को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की यह किताब है, इसमें जिस किस्म की तलाक, नशे में तलाक दो हो गई, किसी के ऊपर तलवार रख दो और तलाक कहलवा दो हो गई, एक वक्त में कह दो हो गई, ये कुछ भी कुरान में इसके लिए कोई सैंक्शन नहीं है। अब्बास साहब और दूसरे लोगों को इस बात पे फिक्रमंद होना चाहिए कि इस्लाम के नाम पे ऐसे कवानीन लागू किए गए हैं जो कुरान की तालीमात को, इस्लाम की रूह को मजरूह करते हैं। इनसे जित और देखिए पर्सनल लॉ बोर्ड में जमात इस्लामी है, पहले मैं इसे कंप्लीट कर दूं, जमात इस्लामी भी है। मौलाना मौदूदी ने अपनी किताब हुकूकुल ज़ौजैन में लिखा है कि ये कानून कहीं से भी ना मुस्लिम है ना इस्लामी है।
और उन्होंने आगे कहा कि इस कानून शायद पूरे सब कॉन्टिनेंट में कोई एक खुशकिस्मत खानदान ऐसा हो मुसलमानों में जिसमें किसी ना एक किसी ना किसी इंसान की जिंदगी इस कानून के चलते तबाह ना हुई हो। हम आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। मुसलमान औरत मैं नहीं कहता, यही मेरे पास ये है, जो लोग इस कानून के समर्थक हैं उन्होंने अपनी इस किताब में लिखा है कि मौलाना अशरफ अली थानवी ने 1930 की 40 की दहाई में अलहीला नाजिजा किताब लिखी और उसमें जो अल्फाज इस्तेमाल किए उसमें कहा है शादीशुदा मजलूम मुसलमान औरत, यानी शादी का मतलब यह है कि वो ऑपरेस हो जाए, मजलूम हो जाए। इस जुल्म को खत्म करना जरूरी है और जो कोई इसमें जो आपके इसमें इसके फेवर में बात करे उसका स्वागत कर। मुझे अब्बास साहब की बात पे कहीं कोई एतराज नहीं है, मुझे लगता है वो मेरी बात से बड़ी हद तक मुत्तफिक हैं। नहीं, जुल्म को खत्म करना जरूरी है तो बात वही मानी जाएगी जो संविधान में लिखी हुई है या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर। इस पर अपने दर्शकों से दर्शक भी सवाल का जवाब जानना चाहते हैं। नहीं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, एक सेकंड, आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जैसा अभी हमारे आरिफ साहब ने बताया, इन्होंने बहुत तजुर्बे की बात बताई, इस्लाम ने नशे की हालत में अपनी इबादत को मना कर दिया कि तुम नमाज नहीं पढ़ो नशे में हो। ये कहाँ का इस्लाम है? ये इस्लाम की तौहीन की जा रही है, ये इस्लाम की कुरान की तौहीन की जा रही है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो कानून बनाए हैं वो कुरान नहीं है, हम उसका सपोर्ट नहीं करते हैं। यही हम कुरान का सपोर्ट करेंगे, मुस्लिम पर्सनल लॉ का सपोर्ट नहीं करेंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ में तोड़ा मरोड़ा गया है, पर्सनल लॉ बोर्ड का ये कानून नहीं है। ये अभी बताया कि नशे की हालत, सुनिए सुनिए, नशे की हालत में तलाक दे देना, ये कहां लिखा है कुरान में? अगर कुरान में ये चीजें नहीं लिखी है और चीजें गलत हो रही है तो सवाल ये है ना कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कुरान तो पर्सनल संविधान से ऊपर नहीं है, कानून नहीं बनाया है तो वो गलत है, उसका कोई मुसलमान सपोर्ट नहीं करेगा, कोई सपोर्ट नहीं करेगा मुसलमान। आप इसको इंश्योर करिए और खास करके मोदी लोग आप गलत कह सकते हैं, जो ये बोर्ड बना हुआ है 1937 शरीयत एप्लीकेशन एक्ट है जो पूरी तरह से गलत है। इस संविधान में प्रियम्बल बना हुआ है, ये प्रियम्बल कहता है इक्वालिटी जस्टिस लिबर्टी फ्रेटर्निटी, ये चार हमारे संविधान के कीवर्ड है, इक्वालिटी जस्टिस लिबर्टी और फ्रेटर्निटी। और आर्टिकल 15 और 16, आर्टिकल 15-16 में लिखा हुआ है कि भारत चूंकि सेक्युलर कंट्री है, यहां पे किसी को भी कास्ट के आधार पे, क्रीड के आधार पे, उसके लिंग के आधार पे, उसके जन्म स्थान के आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और मुझे बड़ी खुशी है कि मौलाना साहब अच्छी बात कह रहे हैं, भारत में आईपीसी है, भारत में आईपीसी के अंतर्गत हिंदू हो चाहे मुसलमान, जो अपराधी है उसको समान सजा मिलती है। ऐसा नहीं होता कि जो मुसलमान है उसको कोड़े बरसाए जाते हो, उसके ऊपर पत्थर बरसाए जाते हो या उसको हलाला किया जाता हो। हमारे बड़ा अस्पष्ट है आज के उसमें, ये दो चार चीजें देखनी पड़ेंगी। हलाला जैसी बुराइयां, महिलाओं के खिलाफ एक तरफा तलाक, मुझे लगता है एक, मैं पार्टी के नाते नहीं, एक व्यक्ति के नाते, एक भारत के नागरिक होने के नाते कुछ ऐसी चीजें हैं जिसपे अश्विनी साहब ठीक है, जो कांग्रेस जिस बात की बात कर रही है, जिस बदलाव की वो इशारा कर रही है, जो भी कांग्रेस का बयान है मनीष तिवारी के थ्रू, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उसको सपोर्ट कर रही है।